वो एकदम नॉर्मल से थे और हिंदी में इसको कहते हैं समता, समता, बैलेंस। बहुत लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि अंकुर, जब कभी भी कोई हमारे को कुछ बुरा बोल देता है, कुछ ऐसा बोलता है जिसे हमें ठेस पहुंचती है, कुछ ऐसा बोल देता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, हमें ये लगता है यार उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों किया, उनको मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई परवाह नहीं है, ऑल दोस थिंग्स, राइट। और वो ये पूछते हैं कि यार इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अगर हम सब एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं जहां कोई हमें कुछ भी बुरा बोल दे, कुछ भी गलत बोल दे, लेकिन हम स्थिर रहेंगे, हम स्टेबल रहेंगे, हमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो सोचिए हम कितने पावरफुल और कितने मीनिंगफुल बन जाएंगे। हमें कभी भी कुछ भी छू नहीं पाएगा, हमें कभी भी कुछ भी हिला नहीं पाएगा, हम एकदम इतने स्ट्रांग, इतने स्टेबल बन जाएंगे कि हम जिंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त, इंसान का सामना कर पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सब इस चीज को फोकस करते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं कि अगर कोई हमारे को कुछ बुरा बोले तो हमें बुरा ना लगे, ये हम कैसे करें। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि स्टेबल होना, स्थिर होना एक बैलेंसिंग एक्ट है। अगर आपको इस चीज का बुरा लगता है कि किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है, तो क्या आपको इस चीज की खुशी होती है कि किसी ने आपके बारे में कुछ अच्छा बोला है? हाँ या ना? याद करिए वो दिन जब आपको आपके बॉस ने बोला तुम बहुत ही सही काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू माय फेवरेट, यू आर सो सो टैलेंटेड, यू आर सो इनक्रेडिबली केपेबल, मुझे लगता है कि इस साल आपकी प्रमोशन हो जाएगी, मुझे लगता है कि आप एकदम टॉप लीग में हैं, 1% ऑफ द कंपनी, एंड यू आर लाइक यस आई हैव अराइव्ड। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को उसी समय मैसेज किया, डू यू नो What my boss had to say about me today? आपने अपनी डायरी में लिखा, I have arrived. मैं एकदम रॉकस्टार हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं एकदम arrived हूं. And then you spoke to your parents, you were on cloud number 9, you were just so happy the entire day. You felt हर एक चीज आपकी जिंदगी में अब सही हो रही है, क्योंकि किसी ने आपको आपके बारे में कुछ अच्छा बोला। आप उस चीज में स्टेबल नहीं रहे, आप कूदते रहे खुशियों से, तो अगर आप उस चीज में स्टेबल नहीं है, तो आप जब आपके साथ कुछ बुरा होगा, जब आपको कोई कुछ बुरा बोलेगा, तब भी स्टेबल नहीं होंगे। स्टेबिलिटी का मतलब, स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एक ही साइड ऑफ द इक्वेशन में स्टेबल है, इसका मतलब यह है कि आप पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप इस मकाम पे पहुंच गए जब आपको कोई भी आपके बारे में अच्छा बोले, तो आप उसको एक कामिंग इफेक्ट से लें, आप उसको समझें, आप उससे प्रोत्साहित हो, लेकिन आप फिर भी स्टेबल रहेंगे, आप कूदेंगे नहीं, आप ओवर जॉयस नहीं हो जाएंगे, आप एकदम पार्टी नहीं थ्रो कर देंगे, आप स्थिर रहेंगे। तभी आप में वो क्षमता बनेगी कि जब कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोले या आपके मुंह पे कुछ ऐसा बोले जिससे आपको ठेस पहुंचती है, आप तब भी स्थिर रहेंगे। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, या शायद नहीं भी, धोनी के बारे में सुना होगा, वो इस चीज के मास्टर थे। जब गेम जीत जाते थे तब भी एकदम नॉर्मल दिखते थे, जब गेम हार जाते थे तब भी एकदम नॉर्मल दिखते थे। ऐसा लगता था कि उनको कभी ना कोई शिकन होती है, ना ही किसी चीज की कोई खुशी मिलती है, वो एकदम नॉर्मल से थे। और हिंदी में इसको कहते हैं समता, समता, बैलेंस। एक तरीके का समता है जिससे आप ना ओवर एक्साइटेड एंड ओवर जॉयस, ना ही ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर एंक्शियस रहेंगे। और अगर आप इस समता को अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत करेंगे, तब आपको वो दिख जाएगा जो बहुत लोगों को
कभी नहीं दिखता कि मुश्किल या बुरी चीजों का सामना करने के लिए आपको अच्छी और खुश भरी जिंदगी और शब्दों को सामना करने की भी ताकत होनी चाहिए। Please don't forget to subscribe to this channel so that whenever we put up a new video, you're aware of it.